नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक बार अपने चैनल लोक संवाद में। जी हां, देख सकते हैं आप, आवश्यकता लोक शिक्षा समिति बिहार के अंतर्गत उत्तर बिहार के सरस्वती शिशु मंदिर विद्या मंदिरों हेतु आचार्यों यानी शिक्षकों की यहां वैकेंसी आई हुई है। बहुत बड़ी वैकेंसी है। यहां आप देख सकते हैं शिशु मंदिर यानी कि प्राथमिक हेतु गणित, अंग्रेजी, विज्ञान एवं संस्कृत, इन्हीं विषयों में न्यूनतम योग्यता इंटर स्नातक दोनों के लिए डीएलएड बीएड अनिवार्य है। विद्या मंदिर माध्यमिक हेतु हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान एवं भूगोल अंग्रेजी माध्यम के से पढ़ाने वाले। न्यूनतम योग्यता इन्हीं विषयों के लिए स्नातक एवं प्रशिक्षित यानी कि बीए, बीएससी के साथ बीएड अनिवार्य है। वहीं यहां आप देख सकते हैं विद्या मंदिर प्लस टू वरिष्ठ माध्यमिक हेतु फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडी एंड अकाउंटेंसी, न्यूनतम योग्यता इन्हीं विषयों में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित एमए, एमकॉम, एमएससी के साथ बीएड अनिवार्य है। यह जो वैकेंसी निकली हुई है, इस वैकेंसी की जो कह सकते हैं कि 1/12/2019 को शिशु मंदिर के लिए जो आयु होनी चाहिए कैंडिडेट की, यह 19 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए और अधिकतम जो है वह जो है 45 वर्ष हो सकती है, ठीक है। और विद्या मंदिर के लिए 21 वर्ष न्यूनतम और 45 वर्ष अधिकतम होनी चाहिए। यह आवेदन पत्र आपको लोक शिक्षा समिति .org के वेबसाइट पर या फिर acplssvisioneering.in पर अप्लाई फॉर्म आप भर सकेंगे। दोस्तों, इसमें सीटेट और एसटीटी या टेट जो भी पास कैंडिडेट हैं उनको जो है विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। जी हाँ, नियमानुसार मानधन के अतिरिक्त पीएफ, ग्रेच्युटी सभी जो है चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। आवेदन की जो अंतिम तिथि है वह 25/12/2019 तक है। अब यह वैकेंसी जो निकली हुई है यह सिर्फ एक पेपर में इश्तेहार है, लेकिन मैं आपको पूरे वैकेंसी पे लिए चलता हूँ, पूरा डिटेल में जो है इस वैकेंसी के बारे में मैं बताता हूँ, ठीक है। तो आइए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपके सामने है, विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान से संबंधित लोक शिक्षा समिति बिहार, यानी कि पूरे भारतवर्ष में सरस्वती शिशु मंदिर विद्या मंदिर के नाम से यह जो संस्था चलती है, इसकी यह वैकेंसी निकली हुई है। बहुत ज़बरदस्त वैकेंसी है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन आचार्य चयन परीक्षा इसको कहा जाता है। इसमें एक्चुअली जो शिक्षक होते हैं इनको आचार्य कहते हैं, ठीक है, चाहे वो महिला आचार्य हुए या पुरुष आचार्य हुए। और इसमें तीन कैटेगरी की वैकेंसी है। जी हाँ, तीन कैटेगरी की वैकेंसी, अर्थात यह है कि प्राइमरी सेक्शन के लिए है और मिडिल सेक्शन के लिए है और प्लस उच्चतर माध्यमिक के लिए है। यानी कि यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, क्लियर कर दूँ कि क्लास 5 तक यानी कि प्राइमरी सेक्शन है, फिर जो है क्लास 6-10 के लिए विद्या मंदिर और प्लस टू के लिए उच्चतर माध्यमिक के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। और यह आवेदन पत्र का पूरा जो है यहाँ पे डिटेल जो है दिया हुआ है, इसको मैं आपको बिल्कुल जो है कह सकते हैं डिटेल में बताने वाला हूं, इस वजह से वीडियो को स्किप ना करते हुए पूरा वीडियो को जो है शुरू से अंत तक देखिए। यह आवेदन पत्र पूर्णतः ऑनलाइन भरा जाएगा। इसके लिए निर्धारित शुल्क ₹300 है, जो डिमांड ड्राफ्ट यानी कि DD के द्वारा स्वीकृत किया जाएगा। डिमांड ड्राफ्ट लोक शिक्षा समिति बिहार के नाम से मुजफ्फरपुर में भुगतान होगा। यानी कि आप जब भी जो DD बनाएंगे, उस DD की मैं कॉपी आपको दिखाऊंगा, एक DD को कि किस प्रकार से आपको DD वो बनानी है। नेक्स्ट है, आवेदन करने के पूर्व अपनी योग्यता की जांच अवश्य कर ले। यानी कि यहाँ नीचे जो है योग्यता दी हुई है, इस योग्यता की जांच कर लेंगे, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, और ज़्यादा जो है इसके बारे में जान लें, ठीक है। अदरवाइज जो है आप अगर आप अयोग्य साबित हुए तो आपकी जो यह आवेदन है यह जो है रद्द कर दी जाएगी, ठीक है, और राशि आपकी वापस नहीं होगी, यानी किसी प्रकार की रिफंडेबल जो है कंडीशंस नहीं है। आवेदन करने के पूर्व आप अपना डिमांड ड्राफ्ट बनवा लें। आवेदन करते समय आपके पास डिमांड ड्राफ्ट, एक वैध मोबाइल नंबर तथा ईमेल आईडी होना अनिवार्य है। बिना इसके आप आवेदन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सब सारे आपके लिए अनिवार्य हैं। आप जिस समय आवेदन करेंगे उस समय यह सब सारी चीज़ें जो है वांट के रूप में आपसे पूछी जाएंगी, मांगी जाएगी, तभी जो है आगे की स्टेप्स पूरी हो पाएगी। आगे बता दें आपको कि आपका मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी ही आपके यूज़र आईडी के रूप में काम करेगा। यानी कि आपको सबसे पहले इस पर साइन अप करना है, देन आफ्टर आपको जो है साइन इन करके आगे की प्रोसेस कंप्लीट करनी है। जिन विषयों के लिए रिक्ति यानी कि विज्ञापन नहीं है, उन विषयों में अभ्यर्थी आवेदन नहीं करे। इसमें स्पष्ट जो है जो जो वैकेंसी निकली हुई है जिस विषयों के लिए, उसी के लिए आवेदन आप कर पाएंगे, ठीक है। न्यूनतम उम्र सीमा यहाँ पे दी हुई है 1/12/2019 को शिशु मंदिर हेतु आपकी जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो 19 वर्ष होनी चाहिए, विद्या मंदिर के लिए 21 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम आयु, तथा अधिकतम आयु शिशु मंदिर या विद्या मंदिर दोनों के लिए 45 वर्ष है। अभ्यर्थी आवेदन करने के पूर्व रिक्ति के विषय एवं योग्यता की जाँच कर ले। यहां मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी मैंने बताया है, लेकिन यहां मैं डिटेल में बता रहा हूं कि शिशु मंदिर स्तरीय यानी कि प्राथमिक खंड जो आपकी होगी उसमें अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और संस्कृत की जो है आपकी वैकेंसी है, ठीक है। इसमें आपकी योग्यता जो है वह इंटर या स्नातक भी अगर इंटर है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना।
और स्नातक भी है तो कोई समस्या नहीं है, यानी कि इंटर या स्नातक दोनों में से कोई एक होने चाहिए, लेकिन इंटर स्नातक के साथ साथ आपको प्रशिक्षित होना अनिवार्य है, यानी कि या तो आप बीएड हो या डीएलएड किए हो, ठीक है। आगे जो है मैं आपको बता दूँ, इसी प्रकार से विज्ञान, गणित और संस्कृत के लिए भी सेम जो है आपकी योग्यता होगी, इंटर, स्नातक और प्रशिक्षित। प्रशिक्षित इट मीन बीएड या डीएलएड। अब आते हैं विद्या मंदिर स्तरीय। विद्या मंदिर स्तरीय में अंग्रेजी, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, गणित, संस्कृत, हिंदी एवं भूगोल की वैकेंसी है। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ भूगोल की वैकेंसी उन लोगों के लिए सिर्फ निकली हुई है जो अंग्रेजी माध्यम से यानी कि इंग्लिश मीडियम से भूगोल को का अध्यापन करा सके, यानी कि पढ़ा सके, ठीक है। इसके अलावा मैं बता दूँ कि इसमें विद्या मंदिर की जो योग्यता होनी चाहिए वो आपकी स्नातक या स्नातकोत्तर, यानी कि जो है आपकी जो योग्यता होनी चाहिए या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएट भी, और प्लस जो है आपको प्रशिक्षित यानी बीएड होना अनिवार्य है। इसमें डीएलएड नहीं चलेगा, ठीक है, इसमें बीएड होना अनिवार्य है। और बीएड जो है मैं आपकी जो बीएड होगी उसकी जो सब्जेक्ट होगी, ऐसा नहीं कि आप जो है अंग्रेजी से फॉर्म फिल करें और आपकी जो बीएड है वह जो है एसएसटी के किसी भी सब्जेक्ट से हो, ठीक है ना। तो आपकी जो बीएड होनी चाहिए वो अंग्रेजी से होनी चाहिए, ठीक है। फिर अगर आप अगर भौतिकी के लिए यानी कि फिजिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो बीएड होनी चाहिए वो फिजिक्स से होनी चाहिए, ठीक। उसी प्रकार से विद्या मंदिर प्लस टू स्तरीय यानी वरिष्ठ माध्यमिक की बात करें, ठीक है, तो वरिष्ठ माध्यमिक यहाँ पे भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इन सब सारे चीज़ों की वैकेंसी, इन सब सारे विषयों की वैकेंसी है, और इसके लिए स्नातकोत्तर आवश्यक है। जी हाँ, स्नातक यहाँ पे नहीं चलेगा, सिर्फ जो है स्नातक से यहाँ काम नहीं चलने वाला, यहाँ पे आपको स्नातकोत्तर जो है होना अनिवार्य है और प्लस जो है बीएड होना अनिवार्य है, ठीक है, और उसी प्रकार से आपकी विषय में होनी अनिवार्य है। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि पूर्णतः भरा हुआ फॉर्म डाउनलोड कर भविष्य के लिए रख लें। भरे गए फॉर्म की प्रति यानी कि दो प्रति में फॉर्म जो है आपको डाउनलोड हो जाएगी ऑटोमेटिक जब आपका फॉर्म ये फिल हो जाएगा। और यहाँ पे ₹300 की डीडी बनवानी है जिसकी मूल प्रति यानी कि डीडी, ओरिजिनल डीडी को अंतिम तिथि यानी 25 दिसंबर के पहले यह जो है आपकी निबंधित डाक यानी कि स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री या सिंपल डाक से भी आपकी 25 तारीख से पहले जो है यह आपकी जो आप फॉर्म फिल कर देंगे, उसके बाद से फॉर्म फिल करने के बाद से फॉर्म प्रिंट करेंगे, फॉर्म प्रिंट करने के बाद से फॉर्म की प्रिंट आउट एंड प्लस जो है डीडी, ये दोनों जो है अटैच करके आपको एक एनवेलप में डालना होगा। साथ में जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें आपकी जो आप एड्रेस डालेंगे वह एड्रेस और प्लस जो है लोक शिक्षा समिति की एड्रेस भी प्रिंट हो जाएगी, तो उस प्रिंट आउट को भी जो है एनवेलप के ऊपर पेस्ट कर दे ताकि जो है पोस्टमैन आसानी से उसे डिलीवर कर पाए, आसानी से जहाँ पहुँचाना है वहाँ पहुँचा पाए, ठीक है। लिखित परीक्षा प्रदेश द्वारा निर्धारित केंद्रों पर होगी। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि प्रदेश यानी कि जो है यहाँ लोक शिक्षा समिति जो प्रांत कही जाती है इसके द्वारा जो है अलग अलग जगह पे, अभी यह आउट नहीं हुई है कि कहाँ पे जो है परीक्षा होनी है, तो आपकी जो है जो प्रवेश पत्र आएगी, एडमिट कार्ड आएगी, उसमें जो है दिया रहेगा कि कहाँ पे इसकी परीक्षा होनी है, और उसके बाद से आपको जो है इसमें लिखित परीक्षा देनी होगी, ठीक है। लिखित परीक्षा के बाद से जो है एक साक्षात्कार होगा यानी कि एक इंटरव्यू होगी, देन आफ्टर आपका इसमें चयन हो पाएगा। प्रवेश पत्र अंतिम तिथि के बाद निर्गत किया जाएगा। शिशु मंदिर एवं विद्या मंदिर दोनों ही स्तर पर दो दो पत्रों में परीक्षा होगी। दो दो पत्र यानी कि यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ कि आपका प्रथम पत्र जो होगा, जो आप ऐच्छिक विषय ले रहे हैं अपनी विषय, वह होगी अनिवार्य विषय, ठीक है, जैसे हिंदी, इंग्लिश जो भी हो गया, और द्वितीय विषय जो कि आपकी कॉमन होगी यानी कि सामान्य हिंदी होगी, सामान्य अंग्रेजी होगी और सामान्य ज्ञान होगा, यानी यह सभी के लिए होगा। चाहे वह अगर कोई व्यक्ति हिंदी भी भरते हैं तो उनकी हिंदी जो है अनिवार्य विषय जो है प्रथम पत्र होगी, और द्वितीय विषय में सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान की परीक्षा होगी। यहाँ पे एक नोट में है, इस चीज़ को मैं आपको बता दूँ कि इंटर एवं स्नातक का अंक पत्र भी आवेदन के साथ भेजे, यानी कि आपको जो आवेदन करना है इसके साथ साथ इंटर एवं स्नातक का अंक पत्र यानी कि मार्कशीट जो है आपको, मार्कशीट की जेरोक्स कॉपी जो है आपको भेजनी है। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आवेदन जो है और सिर्फ डीडी लगा के भेजना है, आपको इसके साथ जो है आपकी अंक पत्र भी जो है भेजनी है। इसके अलावा अगर विशेष जानकारी चाहिए तो यहाँ संपर्क सूत्र जो है ऑलरेडी दिया हुआ है। इस संपर्क सूत्र पे आप 11 बजे से 5 बजे तक आराम से जो है बातचीत कर सकते हैं और भी विशेष जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा आप इस चैनल के माध्यम से भी, इस वीडियो के माध्यम से भी कमेंट करके पूछ सकते हैं कि कैसे जो है इसको क्या करना है। आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से इस पूरे फॉर्म को जो है फिल करना है, ठीक है। तो बने रहिए लोक संवाद के साथ, मैं रवि श्रीवास्तव लगातार आपके साथ प्रत्येक छोटे छोटे बड़े से बड़े अपडेट के साथ बना रहूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें, नमस्कार, धन्यवाद, भारत माता की जय।